ये दुनिया फेमिनिज्म के समुंदर में इतना डूब चुका है कि क्या ही बताएं। खैर आप सबको लखनऊ इंसिडेंट के बारे में पता ही होगा, जहाँ पे एक लड़की उछल उछल के एक लड़के को तमाचे मारती है, एक निर्दोष कैब ड्राइवर को, जहाँ पे उसकी कोई दोष भी नहीं होता। मतलब फेम पाने के लिए यार किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। तो और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। अबे दीदी कौन सी सस्ता नशा करती है बे, तो हमारे साथ साथ इंडिया के 140 करोड़ जनता को चूतिया बनाना चाहती है। नहीं मतलब हम इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते, हम तो चूतिए हैं। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई। कितने लोग थे, क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है। अबे दीदी झूठ ऐसा बोलना चाहिए जिस पे लोग विश्वास कर सके, जिससे नहीं कि तुम चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। अगर 100 लोग तुम्हें मिलके मारते तो आज तुम्हें यहाँ पे देखना तो दूर की बात है, तुम्हारी हड्डी पसली भी ढूंढ के नहीं मिलता। और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं, हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये। अबे कुछ तो लॉजिक रखा कर। अभी देखा तुम लोग ने, जब दीदी मार रही थी तो पता नहीं इनके अंदर शायद अबे नहीं वो क्या था, जॉन सीना की आत्मा घुस गई थी इस, जिसके वजह से इतना कूद कूद के मार रही थी वे। और वो लड़की उस रास्ते को रेसलर रिंग समझकर उसके ड्राइवर को पेल रही थी। शुक्र माना कि बंदा अच्छा था इसलिए कुछ नहीं कहा, अगर उसके जगह सिलमोन बॉय होते आज तो तेरे को सीधा खाड़ी से उड़ा देते। और साथ में 2-4 थप्पड़ भी लगा देते। अब गौर से देखो यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक है, ट्रैफिक पुलिस भी है और एक हवलदार भी है, लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया। दीदी इतना उछल उछल के मार रही थी, ऐसा लगता है कि दीदी को उछल उछल के मरवाने का बहुत एक्सपीरियंस है बे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब कहा गया फेमिनिज्म के चौथे चौधे, अब आके दिखाओ इक्वलिटी। पता है हमारी सोसाइटी कैसा है, अगर अब इस लड़की को ये लड़का कैब ड्राइवर मार रहा होता ना, तब आज सीन कुछ अलग ही होता, मतलब उसका देखने को कुछ अलग ही मिलता हमें। क्यों भाई इक्वलिटी किधर है? अगर टिकट काउंटर पे जाओ तो लेडीज़ फर्स्ट, बैंक की लाइन पे लगो तो लेडीज़ फर्स्ट, पर भी सी कहीं पे अगर झगड़ा हो तो क्यों मार खाने में लड़का फर्स्ट? क्यों इक्वलिटी किधर है भाई, किधर है? एक राज की बात बताऊँ, अगर तुम्हें बिना काम के पैसा चाहिए ना, तो बस पुलिस की नौकरी ले लो और मंथ की एंड पे सैलरी ले लो, बस पूरी दुनिया भाड़ में जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मस्त प्लान है। एंड अकॉर्डिंग टू हर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, तो चलो भाई सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया, जो खाना पीना मुझे नहीं मिला, 24 घंटे में रहा। मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी ख़राब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए। और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए। और
थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया। और खाना पीना मुझे नहीं मिला, 24 घंटे में रहा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसके लिए बहुत पछता रहे हम फिर भी। लेकिन पता नहीं मीडिया वालों ने भी दीदी के साथ सस्ता नशा कर लिया। चलो देखते हैं। लड़की ने युवक की क्लास लगा दी। दरअसल वैगनार सवार लड़की से यूवी जो गाड़ी है उसपे सवार लड़के बदतमीजी कर रहे थे। एक सेकंड। उसपे सवार लड़के बदतमीजी कर रहे थे। गांजा पी के दामड़िया घ्रौनोनी तोर माया मामा। गांजा पी के दामड़िया घ्रौनोनी चावरे गांजा पी पी के 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 पी पी के। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। चरस गंगा मेरे को प्यारा, चरस गंगा मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर, पता है मैंने क्या बोला।